वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा, हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, क्वेश्चंस जो होंगे हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा चेंज जो है फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। ऑप्शन बी, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एंड ऑप्शन डी, कम्बशन ऑफ एलपीजी। तो बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए, जब भी बेटा हमारे जो है हाइड्रोकार्बन जो है उनका कम्बशन होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रिएक्शन हम लोगों को क्या गिवन है बेटा कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 4NO प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, एंड फोर्थ ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा है। तो हम लोगों को चार ऑप्शन गिवन है और हम लोगों को ये बताना है बेटा कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, NH3 से हमारा क्या बना बेटा? NO बना। तो देखिए, हाइड्रोजन के एटम अगर डिलीट होंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और देखिए, ऑक्सीजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? आपका रिडक्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा भाई? ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग जो है दूसरी चीज को चेक करिए कि यहाँ पे देखिए, अमोनिया जो है हमारा NH3, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है और NO की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? हमको चार स्टेटमेंट गिवन है और हमको एक रिएक्शन गिवन है और चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट होंगी, ठीक है। तो देखिए, जब 3 एटम आयरन के वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये आपका Fe3O4 बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फोर्थ में क्या बोल रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए, हमको चार ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी रिएक्शन को देख लेते हैं। अब देखिए, आयरन से बेटा हमारा क्या बना? Fe3O4 बना। तो ऑक्सीजन के आइटम ऐड हुए कि नहीं हुए? तो देखिए, हमारा आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन का बेटा आपका ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सेकंड देखिए, वाटर से बेटा क्या हुआ हमारा? वाटर से हमारा हाइड्रोजन बचा। यहां पे देखिए, ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन होगा। तो ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो वाटर हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अच्छा, अब आप लोग देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता? तो मतलब आयरन जो होगा बेटा हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो क्योंकि बेटा वाटर का हमारे रिडक्शन हो रहा है तो ये खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट
एंड फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा वाटर जो होगा हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो भाई फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो जरा अब आप लोग ऑप्शन को देखिए कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन बी की जगह बेटा ये आपका सी ऑप्शन होगा क्योंकि बी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को चार स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट्स हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, और हमको चार ऑप्शन भी गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, सेकेंड वाले में डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, थर्ड वाले में एवोपरेशन ऑफ वाटर, और फोर्थ वाले स्टेटमेंट में सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर। तो देखिए बेटा जब हमारा क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्विक लाइम होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे खूब हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से बेटा जब हम लोग किसी एसिड की डाइल्यूशन करते हैं, मीन्स अगर हम लोग किसी कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते हैं बेटा, तो ये हमारी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। एवोपरेशन ऑफ वाटर बेटा क्या है, वाटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्व करके एमिट कर रहा है वेपर में, तो ये हमारा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या करेगा बेटा, हीट को एब्जॉर्व करेगा और हवा में उड़ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। तो बेटा देखिए इस तरीके से हम लोग जो है MCQs को सॉल्व करेंगे। NCERT के एग्जाम्पलर MCQs आपके एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ फिर आपको इजिली समझा दूंगा। थ्री बीकर्स लेबल्ड ABC ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्ड इन द बीकर ए एंड बी, वेयर इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको तीन बीकर गिवन है ABC। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पोर्शन ऐड किया हूँ। ठीक है, तो तीन बीकर गिवन है बेटा, तीनों बीकर में आपका 25 ml वाटर है। ठीक है, ए वाले बीकर में आपका बेटा NaOH है, बी वाले बीकर में बेटा आपका CuSO4 है, और सी वाले बीकर में आपका NaCl है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि ए और बी बीकर में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और सी वाले में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ये हीट को एमिट कर रहा है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा, आपके हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। अगर ये हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं तो ये खुद क्या हो रहे होंगे बेटा, ये खुद ठंडा हो रहा होगा, मतलब ये कूल होगा और ये हॉट होगा। ठीक, अब हम लोग जो है अपने स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। तो देखिए ए और बी बीकर में क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, भाई बिल्कुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। थर्ड वाली स्टेटमेंट को देखिए, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो बीकर सी में बेटा क्या आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल गलत है, बीकर सी में बेटा हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन सी बेटा जो होगा आपका, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जब हीट एमिट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, और अगर कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमारा क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वॉज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द
ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास फेरस सल्फेट की सोल्यूशन थी और जब हम लोगों ने इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराया तो जो लाइट पर्पल कलर था हमारे पोटेशियम परमैंगनेट का ये उड़ गया। तो हमको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ऑप्शन बी में बोल रहा है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन सी में बोल रहा है KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू ए कलरलेस कंपाउंड। एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू ए डायल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन ए। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या होता है बेटा, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हमारे फेरस सल्फेट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा लाइट पर्पल कलर होता है वो फेड कर जाता है, वो हवा में उड़ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए हम लोगों को 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और 4 ऑप्शन भी गिवन है। ओके, तो देखिए पहली स्टेटमेंट में देखिए, लेड जब हमारा CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। सेकेंड में देखिए कि सोडियम सल्फेट जब हमारा बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बैरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। थर्ड, जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। एंड फोर्थ, मीथेन का जब हम लोग कम्बंशन करा रहे हैं बेटा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिल रही है। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड्स आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो देखिए अगर हम लोग सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखें तो देखिए बैरियम जो है बेटा सल्फेट के पास चला गया और सोडियम हमारा क्लोरीन के पास चला गया। तो देखिए यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो होगी बेटा, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंड ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हम लोग अपने सिल्वर क्लोराइड को, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ दें बहुत ज़्यादा समय के लिए तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर का क्यों पड़ जाता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोग जो है सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ से जो हमें सिल्वर मिलता है बेटा ये आपका ग्रे कलर का होता है। तो बेटा अगर हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फॉर सिल्वर क्लोराइड, सब्लाइमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है दैट इज़ द ओनली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि भाई हमारे सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारा सिल्वर फॉर्म हो रहा है वो ग्रे कलर का हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकम्पनीड बाय द लिब्रेशन ऑफ हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सोल्यूशन फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज कॉल्ड द क्विक लाइम, ये क्विक लाइम बेटा जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमको बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है बेटा, दैट इज बेसिक इन नेचर, ये क्या होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर ये आपका बेसिक नेचर का है तो आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे बेस होते हैं
उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो हमारी जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट होगी, सॉरी, तो हमारी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट होगी, दैट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्योंकि भाई ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बन रहा है बेटा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, तो इस वजह से इसकी जो पीएच होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सो बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं कि बैरियम क्लोराइड जब हमारा अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए अमोनियम सल्फेट आपका ये होगा कि नहीं होगा भाई, अमोनियम बेटा, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ओके, सो इट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट, ये क्या बनाएगा बेटा, बैरियम सल्फेट बनाएगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, दैट इज NH4Cl। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस टाइप की रिएक्शन है ये, आप हमको ये बता दीजिए। तो पहली स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्ड स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ स्टेटमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा अगर आप लोगों ने रिएक्शन को देखा होगा तो देखिए, अमोनियम बेटा हमारा क्लोरीन के पास चला गया और बैरियम बेटा हमारा सल्फेट के पास चला गया। तो रिएक्टेंट साइड क्या हुआ बेटा, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। अगर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बेटा तो वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, होगी कि नहीं होगी भाई। और बेटा यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट बना बेटा आपका, ये क्या था, ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। तो जितनी भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, मैंने बताया था बेटा कि उनको हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन करती हैं। तो देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो रही है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी, दैट इज़ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, दैट इज ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 4:1 एंड ऑप्शन डी 1:2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, जो आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो देखिए वाटर का जब आपका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अब क्योंकि बेटा ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो आपकी बैलेंसिंग करने के बाद ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको मोल रेशियो बता दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। तो बेटा देखिए, हाइड्रोजन के 2 मोल हमें चाहिए होंगे तब जाकर के हमारा ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 2:1। तो जब भी आपका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का, तो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से इसका वेट का रेशियो पूछा जाए बेटा, तो वेट का रेशियो आपका अलग होगा। ओके, हम लोगों से पूछ रहा है कि आपका जो है वॉल्यूम का रेशियो क्या है, जो मोल का रेशियो है, तो वो 2:1 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा हम लोगों को 4 प्रोसेस गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस जो होगी हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और फिर हम लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से हम लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, दैट इज अ कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होगा तो बेटा अगर हम लोग इसको डाइल्यूशन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सेकेंड आपका क्या है बेटा, सब्लाइमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो देखिए, आइस आपका क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, और जब हम लोग इसको सब्लाइम करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, ये हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या कर जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है बेटा आपका, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो बेटा जब वाटर वेपर को हम लोग कूल करते हैं तो दैट इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस तो है नहीं। फोर्थ को देख लेते हैं, एवोपोरेशन ऑफ वाटर।
तो बेटा देखिए एवोपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि देखिए हमारा जो वाटर था उसने क्या किया बेटा, हीट को एब्जॉर्ब किया, इसने क्या किया हीट को एब्जॉर्ब किया और हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं है। तो देखिए सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी हमारी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा सही होगा। ओके तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए बेटा जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये रिएक्शन बताई है, तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है जो कि हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर बेटा हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हों और ये लेड नाइट्रेट मान लो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो ऑप्शन ए लेड सल्फेट, ऑप्शन बी लेड एसीटेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज लेड एसीटेट। अब देखिए लेड एसीटेट आपका क्या होता है बेटा पीबी, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस। जब ये आपका बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये आपका लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर लेगा अगेन से। ओके, ये भाई लेड आपका आयोडीन के साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ आपका एसीटेट चला जाएगा, तो यहाँ पे अगेन से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज लेड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में हम लोगों को चार ऑप्शंस गिवन है बेटा और हमको ये बताना है कि हम लोग कौन सी गैस का यूज कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम एंड ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। तो बेटा ये जो हमारी हीलियम और नाइट्रोजन गैस होती हैं ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं बेटा आपका रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस वजह से हम लोग जो है, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स विप्स आप लोग खाते होंगे तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे जो भी आपका फूड है वो फ्रेश बना रहे और उसमें क्या हो वो ख़राब ना हो, रेंसिड ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो देखिए हमारा KClO3 बेटा जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये KCl और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो हम लोगों को चार स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो देखिए इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ऑप्शन बी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एकम्पनीड बाई रिलीज ऑफ हीट एंड ऑप्शन डी इट इज़ अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो बेटा जरा आप लोग अपनी रिएक्शन को देखिए, तो देखिए KClO3 बेटा ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था, हम लोगों ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी। और जितनी भी बेटा आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये क्या करती हैं, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट को प्रोवाइड करेंगे, अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो खुद कैसा रहा होगा, ठंडा रहा होगा, तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, ऑप्शन बी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ऑप्शन सी कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन एंड ऑप्शन डी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको चार प्रोसेस गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका, दैट इज ऑप्शन डी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए बेटा जब हम लोग कॉपर को जो है
एयर में रिएक्शन करते हैं। एयर का मतलब बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है, जो आपका ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो बेटा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है बेटा, तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है मैं जो है आई बटन में डाल दूंगा। 10 से ज़्यादा वीडियो मैंने इस चैप्टर पे बनाए हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला, वैलेंसी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस को बेटा जाकर के आप लोग देख सकते हो। पूरे क्लास 10th की साइंस इस साल मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट ए रिएक्शन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को चार रिएक्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि इन चार रिएक्शंस में से कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें जो हम लोगों ने एब्रीविएशंस यूज़ करे हैं, मीन्स जो भी हमारा रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट में बन रहा है, वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया है, हमको ये बताना है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में था, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में था, वाटर हमारा गैस हो गया। ऑप्शन बी में हाइड्रोजन हमारा गैसियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारा लिक्विड स्टेट में था, वाटर हमारा लिक्विड बन गया। ऑप्शन सी में हाइड्रोजन हमारा गैस था, ऑक्सीजन हमारा गैस था, वाटर क्या बन गया, लिक्विड में बन गया। और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, वाटर हमारा क्या बन गया, गैस में बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी। तो हाइड्रोजन बेटा हमारी गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, और ये वाटर को बनाता है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस रिएक्शन का करेक्ट एब्रिविएशन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों को बेटा चार स्टेटमेंट गिवेन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और हमारे पास चार ऑप्शन भी गिवन है और फिर हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए रिएक्शन में हमारा KClO3 को हम लोगों ने डिकम्पोज किया तो KCl और ऑक्सीजन बन गया। सेकेंड में मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और फोर्थ में जिंक जब हमारा फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया, फेरस सल्फेट और जिंक बना दिया। तो बेटा जरा आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में याद करो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था आपका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते थे। तो जरा सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स को बेटा वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे बेटा। बहुत जल्दी हम लोग जो है अपनी ऐप को भी लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर के बेटा मैंने जो है मिनिमम फीस पे 999 रुपीज़ पे जो है आप लोगों के लिए साइंस और मैथ का फुल पेड कोर्स लॉन्च किया है, आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बेटा अगर आप लोगों को जो है NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जो है बेटा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या गूगल ड्राइव से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।